लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन एग्जाम में आता है, सिंपल दो लाइन लिखनी होती है, दो नंबर में आता है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन, ये एक्सप्लेन करो विद एन एग्जाम्पल। तो आप ऐसे करना, जब एक कॉइल के पास नॉर्थ पोल पास आता है नॉर्थ, तो ये क्या डेवलप कर लेगी, करंट पैदा करके नॉर्थ, ताकि नॉर्थ पास ना आए। तो जब नॉर्थ डेवलप हुआ, मेरा नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये रिपल्शन देगी, कॉइल मुझे रिपेल करेगी नॉर्थ नॉर्थ, और मुझे एक्स्ट्रा मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने हाथों से, और जोर लगाना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्शन। अब मैं और जोर लगाऊंगा या और करंट पैदा करके और नॉर्थ पोल डेवलप करेगी, तो मैं और जोर लगाऊंगा, तो बेसिकली मेरी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, और अगर मैं तेज लेके आऊंगा उतना ही करंट इसमें पैदा हो जाएगा, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है यहाँ तक? और जब मैं दूर लेके जा रहा हूँ नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ दूर जाएगा तो ये साउथ डेवलप करेगा और मुझे खींचेगा, और मैं उस खींचाव के ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा और मुझे और वर्क डन करना पड़ेगा, मेरी मैकेनिकल एनर्जी और स्ट्रांग लगेगी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल आपने देना है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ कॉइल की तरफ आता है, तो अपर फेस ऑफ द कॉइल नॉर्थ ही डेवलप कर लेता है, नॉर्थ पोल डेवलप करता है, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन ताकि मैग्नेट पास आ सके। और फिर उल्टा लिखना है, जब नॉर्थ दूर जाता है मूव्ड अवे, तो साउथ डेवलप हो जाता है, तो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों केस में मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, और जो कि चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।